अपनी ही पॉलिसी में फंस गए अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जिनका रूल है कि साल की कम से कम 4 फिल्में तो करनी ही है, और पूरे साल में जहां उनके कॉम्पिटिटर्स एकाध फिल्म कर पाते हैं, वहीं अक्षय कुमार 4 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ले आते हैं। अक्षय कुमार की फिल्में निपटाने की स्पीड बड़ी फास्ट है, लेकिन इंडस्ट्री में उतनी कहानियाँ आती नहीं हैं जितनी अक्षय कुमार फिल्में कर लेते हैं। यही कारण है कि अब अक्षय कुमार अपनी स्पीड रोकने को तैयार नहीं है, और अब जब इंडस्ट्री के पास कहानियां नहीं है तो अक्षय कुमार ज़्यादातर साउथ की फिल्मों के रीमेक में काम कर रहे हैं। और पिछले कुछ सालों से अक्षय कुमार ने तो ये पैटर्न बना लिया है कि रीमेक पे रीमेक, रीमेक पे रीमेक। अब अक्षय कुमार ने आज एक बार फिर से एक नई फिल्म की शुरुआत की है। इस फिल्म का टाइटल तो अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन ये फिल्म भी रीमेक है साउथ की एक सुपरहिट फिल्म की, और इस फिल्म में सूर्या ने काम किया था। सूर्या जिनके हाल ही में जय भीम फिल्म ने धमाल मचाई, उसी सूर्या की फिल्म में अक्षय कुमार काम करने वाले हैं। अक्षय के साथ राधिका मदान इस फिल्म में नजर आने वाली है। अक्सर अक्षय की फिल्म जब भी अनाउंस होती है तो उनके फैंस जश्न मनाते हैं, लेकिन आज अक्षय कुमार की इस अनाउंसमेंट से लोग खुश नहीं हुए। इसके पीछे कारण है कि लोग अब अक्षय कुमार से नई कहानी की उम्मीद करते हैं। रीमेक्स बहुत हो गई, और यही रिएक्शन रहा आज अक्षय के फैंस का। अक्षय के एक फैन ने कहा कि सर प्लीज़ इस फिल्म को थिएटर में नहीं बल्कि OTT पर रिलीज़ करना, क्योंकि ऑलरेडी ये जो फिल्म है ये सुरारी पोट्रू की रीमेक है, और ये फिल्म अमेजोन पर और यूट्यूब पर हिंदी डब्ड वर्जन में मौजूद है, तो फिर कोई वापस इसके रीमेक को क्यों देखेगा। अब सर बहुत हो गया रीमेक, कुछ ओरिजिनल स्क्रिप्ट पर काम करो। एक और यूजर ने भी यही कहा कि सर अब बहुत हो गया रीमेक में काम, अब कुछ ओरिजिनल लेकर आओ, ऑलरेडी जो फिल्म हिंदी में मौजूद है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसे कोई वापस क्यों देखेगा। वहीं एक और यूजर ने कहा अभी तक कितने ही रीमेक्स आई, सारी फ्लॉप रही, अब एक और रीमेक यानी कि एक और फ्लॉप। तो दूसरे यूजर ने एक मीम शेयर करते हुए कहा कि ये लो एक और रीमेक की अनाउंसमेंट हो गई। वहीं एक और यूजर ने कहा कि मैं आपका लॉयल फैन हूँ, लेकिन इस फिल्म की अनाउंसमेंट से मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये फिल्म ऑलरेडी OTT और यूट्यूब पर अवेलेबल है। हाँ, एक लॉयल फैन की तरह मैं आपकी ये फिल्म भी जरूर देखूंगा, लेकिन एक्साइटेड तो जरा भी नहीं हूँ। तो कुछ इस तरीके से अक्षय की इस नई अनाउंसमेंट को फीका रिस्पॉन्स मिला है। ये अपने आप में एक अलार्म है अक्षय कुमार के लिए कि जल्द ही वो रीमेक्स में काम करना बंद कर दे, नहीं तो आने वाले समय में अक्षय कुमार की ब्रांड वैल्यू में गजब की गिरावट आ सकती है, क्योंकि अक्षय कुमार का वैसे भी एक नेचर रहा है कि एक ही तरह की फिल्मों के पीछे ही पड़ जाते हैं। 90s में उन्होंने एक के बाद एक एक्शन फिल्में की, उसके बाद कुछ रोमांटिक फिल्में करने लगे, फिर कॉमेडी में आए तो कॉमेडी, उसके बाद सोशल इश्यूज़ वाली फिल्मों पर आए तो सोशल इश्यूज़ वाली फिल्में, और अब क्या अक्षय कुमार ने ये नया पैटर्न अपना लिया है रीमेक्स का? वेल, अगर ऐसा है तो फिर रीमेक वाला ये फंडा पिछले फंडों की तरह काम करना मुश्किल है, क्योंकि साउथ की फिल्में ऑलरेडी हमारी ऑडियंस घर बैठकर देख चुकी है।